बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जितने बेहतरीन एक्टर हैं उतने ही सुलझे और समझदार इन्वेस्टर भी हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 14.5 करोड़ का प्लॉट खरीदा है। खबरों के मुताबिक वो यहां करीब 10,000 वर्ग फुट का घर बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने मुंबई बेस्ड डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के 7-स्टार एनक्लेव द सरयू में एक प्लॉट लिया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन ही प्रोजेक्ट सरयू का उद्घाटन होने वाला है। ये प्रोजेक्ट 51 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ से मंदिर सिर्फ 15 मिनट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 मिनट की दूरी पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन के लिए अयोध्या नगरी का उनके दिल से विशेष स्थान है। वो खुद प्रयागराज में ही जन्मे हैं, इसलिए इस प्राचीन शहर से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बता दें कि 2019 के बाद से ही अयोध्या में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में देश के कई बड़े कारोबारी निवेश कर रहे हैं, जिससे यहाँ होटल उद्योग के अलावा कई सारे बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं। बड़े कारोबारियों के साथ साथ देश की नामी हस्तियां भी यहां पर निवेश कर रही हैं और यही वजह है कि यहां जमीन की कीमतों में 50% से ज्यादा का इजाफा भी हुआ है। अयोध्या में योगी सरकार 1200 एकड़ में एक टाउनशिप का निर्माण भी करा रही है, जिसमें अगले 5 साल में करीब 2200 करोड़ के निवेश के साथ विकसित किया जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत अयोध्या के 133 वर्ग किलोमीटर के मास्टर नियोजित शहर क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। इसमें 31.5 किलोमीटर का मुख्य शहर शामिल है। वहीं ग्रीनफील्ड टाउनशिप में सभी श्रद्धालुओं के लिए राज्य अतिथि गृह, होटल और बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक परिसरों की भी व्यवस्था होगी। देश दुनिया की हर खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष।